वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम एंड हिमांशी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने बच्चों के लिए लाइफ टाइम मेमोरी सेव करने के लिए कुछ नया सा बनाया है, बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छा बन के आया है। मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था, मेरी इच्छा मतलब मेरे दिल की बहुत इच्छा थी कि मैं बच्चों के लिए बनाऊँ। पहले तो मुझे मेघांश के लिए बनाना था, जब मेघांश छोटा था तब मुझे इस पर यहाँ पे अपने यहाँ पे आया नहीं था, तो जिसकी वजह से मुझे ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। वो सिर्फ बड़ी बड़ी सिटियों में ही ये चीज़ें अवेलेबल हो रही थी। अब हम जहाँ हम लोग रहते हैं तो आसपास के कहीं ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो ऐसे ऐसे करते समय निकल गया। पर पूरी कोशिश करने के बाद में, भगवान ने चाहा तो हिमांशी होने के बाद में मैंने वो मतलब मेरी दिल की इच्छा जो थी वो पूरी हो गई है। और उसके बाद में हमने सोचा कि चलो हिमांशी का ही नहीं, मेघांश की भी यादें इसमें संजो के रखते हैं, जिसमें दोनों भाई बहन की मेमोरी लाइफ टाइम मेमोरी सेव रहे। क्योंकि गाइस, बच्चे तो जल्दी जल्दी बड़े हो जाएंगे, पर कुछ चीज़ें यादें रहती हैं जो हमेशा के लिए संजो के रखना ही बहुत अच्छा लगता है, जिसे हम देख सकते हैं और जिसे हम याद कर सकते हैं। तो गाइस मैंने भी ऐसा कुछ बच्चों के लिए बनाने की कोशिश करी है। और मैंने बहुत सर्च किया था, बहुत सर्च करने के बाद में मुझे वो एड्रेस मिला जिस पे हम लोग गए। और गाइस ट्रस्ट मी, गाइस उन्होंने बहुत अच्छा बनाया भी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बच्चों के लिए क्या बनाया है। तो गाइस, मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने बच्चों का फ़ोटोशूट करवाया था, तो वो फ़ोटोशूट मैंने ये फ्रेम के लिए करवाया था क्योंकि इसमें दोनों बच्चों की बहुत क्यूट सी फ़ोटो लगने वाली थी, तो जिसके लिए मैंने वो फ़ोटोशूट करवाया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो फ्रेम कैसे बनी है और कैसे बन के आई, बहुत अच्छी बनी है गाइस। तो मैं आपको दिखाती हूँ, गाइस ये फ्रेम बहुत अच्छी बनी है, मुझे तो बहुत पर्सनली तो बहुत पसंद आई है और बहुत अच्छी भी है। इसमें गाइस मेघांश के भी हैंड्स आए हैं और हिमांशी के हैंड्स और पैर छोटे वाले हैं। तो गाइस इसमें हिमांशी के हैंड्स और हिमांशी के फुटप्रिंट लिए हैं हमने और मेघांश के हैंड्स भी है, ताकि एक ही फ्रेम में दोनों बच्चों की मेमोरी हो जाए से हो। तो गाइस ये बहुत सुंदर बन के आई और उन दोनों की पिक्स भी बहुत अच्छी बनी है। वक्त भी कितना अजीब होता है ना, एक वक्त पर मेरे बेटे मेधाश ने मुझे माँ के रूप में इस जीवन में पहचान दी, वही दूसरी ओर मेरी बेटी ने मेरे इस अधूरे परिवार को पूर्ण कर दिया। ये वक्त ही तो है जो किसको क्या दे दे पता ही नहीं चलता। बेटा मेधाश, आपको थैंक्स मुझे माँ के रूप में पहचान देने के लिए, और बेटी हिमांशी को थैंक्स मेरे परिवार को पूरा करने के लिए। ईश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना अच्छा वक्त दिया। बेटा हिमांशी, बेटा मेधांश, थैंक यू।